चलिए प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। देखिए श्रीमान जी, इस समय जो देश के अंदर महंगाई की स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। एक समय ऐसा था कि 80 से 100 रुपए जब किलो दिल्ली में प्याज बिका था, तब वहां की दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की भी इसी महंगाई के कारण सरकार चली गई। आज स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। हमारी माताएं, जो बहनें घर चलाती हैं, जो गृहिणियां हैं, उनके ऊपर इस समय इतना बोझ आन पड़ा है। जो सरसों का तेल अभी पिछले 3 महीने 4 महीने पहले तक 100 रुपए 120 रुपए किलो लीटर बिक रहा था, आज वो 200 रुपए लीटर हो गया है। जो रिफाइंड उस समय 105-110 रुपए चल रहा था, वो 180 रुपए लीटर चला गया है। जो अरहर की दाल जो 90 से 100 रुपए 110 रुपए तक बिक रही थी, 140 से 160 रुपए किलो हो गई है। तुअर की दाल जो हर व्यक्ति नहीं खाता, बहुत उसको अच्छी नहीं लगती, मगर वो भी 90 रुपए किलो आज की डेट में बिक रही है। सब्जियों के दाम सर चढ़कर बोल रहे हैं। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ना। बार बार प्रधानमंत्री इस देश में आके कहते हैं कि हम लोग इसको जीएसटी के दायरे में लाने वाले हैं, कब लाएंगे ये पता नहीं है। वैट जब हुआ करता था, सबसे बड़ी समस्या देखिए क्या है, वैट जब हुआ करता था तब प्रदेशों को टैक्स लेने की पूरी पूरी छूट होती थी, आजादी होती थी, उसका अपना टैक्स होता था। जब से जीएसटी आई है, इसमें 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अर्जित हो गया, तो सारा बोझ पड़ किसके रहा है, आम जनता के ऊपर। आम जनता अगर पानी की बोतल भी एक लेती है ना, उससे भी अगर 6 रुपए टैक्स, 3 रुपए टैक्स अगर राज्य गवर्नमेंट को दे रही होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 रुपए टैक्स दे रही होती है। वो टैक्स वापिस नहीं आ रहा। जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका विरोध किया। विरोध करने का सबसे बड़ा कारण क्या है?